गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट एट योर होम. आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस. आई एम योर ईवीएस टीचर माया राव. ईवीएस मीन्स आर एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मीन्स ऑल प्रेजेंट अराउंड अस. फॉर एग्जाम्पल, एयर, वॉटर, प्लांट्स, animals, etc. Today we are going to start first chapter, the big family. The word family means all the people who are closely related to us. Okay, what is the word family means? जो हमारे close relatives होते हैं वो हमारा परिवार होता है, वो हमारी family होती है. Our parents, grandparents, siblings, aunts, uncles, their children, our cousin, etc. are members of our family. हमारे जो parents हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे grandparents, हमारे दादा दादी, sibling means हमारे भाई बहन, हमारी आंटी, अंकल और उनके बच्चे जो हमारे कजिन्स हैं, ये सभी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं. सो फैमिली डज नॉट मीन ओनली द फैमिली मेंबर्स हु लिव विथ अस इन आर हाउस. सो फैमिली का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहें, वे दूसरे घर में भी रह सकते हैं. ऑल क्लोज रिलेटिव्स एंड देयर फैमिलीज हु डू नॉट लिव इन आर हाउस बट असेंबल ऑन स्पेशल ओकेशंस आर अ पार्ट ऑफ आर फैमिली. दिस बिग फैमिली इज नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. हमारे परिवार के वह सदस्य जो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते हैं लेकिन किसी स्पेशल ओकेशन पर वे हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, हमारे परिवार में शामिल होते हैं, वो बड़ी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से जानी जाती है. मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु लिव टुगेदर इन अ हाउस फॉर्म द इमीडिएट फैमिली. हमारे परिवार के वह सदस्य जो एक साथ एक घर में रहते हैं वो होती है इमीडिएट फैमिली. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स हु मे और मे नॉट लिव एट वन प्लेस फॉर्म द एक्सटेंडेड फैमिली. हमारे परिवार के वे सभी सदस्य, वे सभी क्लोज रिलेटिव्स जो हमारे साथ हमारे घर में या तो रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, वे सभी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर आते हैं. ऑन स्पेशल ओकेशंस आर रिलेटिव्स कम फ्रॉम प्लेसेस नियर एंड फॉर टू सेलिब्रेट. और स्पेशल ओकेशन पे ये हमारे सभी रिलेटिव्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेलिब्रेशन के लिए आते हैं, चाहे वो प्लेस दूर हो या पास हो. दे गेट टूगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, मैरिज, इन द फैमिली और बर्थ ऑफ अ बेबी. और वे किसी भी फेस्टिवल मीन्स दिवाली सेलिब्रेशन हो, होली सेलिब्रेशन हो, रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो, है ना, या परिवार में किसी की शादी हो या परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो, तो वे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं. दे ऑल्सो गैदर ड्यूरिंग द इलनेस और डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर्स. और वे सभी परिवार के सदस्य जब किसी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है या परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो सभी इकट्ठे होते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.